MBBS लेने के बाद दो गंभीर बीमारियों ने मुझे अपने चपेटे में ले लिया है। पहला खून में अटेंडेंस की कमी और दूसरा हाइपरसिलेबस नॉन प्रिपरेशन सिंड्रोम। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। तो आज सुबह का लेक्चर बंकर की प्रिपरेशन करने बैठा ही था कि मेरे रूम पे सेक्सा प्रकट होता है, क्योंकि उसको क्लास छोड़ के आना था। तो बस फिर इसको ड्रॉप किया, खूब मन लगाकर पढ़ना और खूब तरक्की करना, और वापस आके लगी भूख। तो गार्ड से सेक्सा के रूम की चाबी ली और एक ताले की इतनी चाबी देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ये ताला मेरी एक्स तो नहीं। खैर सही चाबी ढूंढ कर मैं इसके रूम में घुस जाता है और इतनी सारी मौसमी देख कर मेरा भी खट्टा खाने का मन कर जाता है। अब अंडे चुरा कर हमने उसकी भुर्जी बनाई और स्विगी से पराठे मंगा लिए, और ये सब खा के बैठ गया सॉल्व करने प्रेप्लैडर क्यू बैंक 5.0, बिकॉज दिस इज इंडियाज ओनली क्लिनिकल क्यू बैंक, जहां सही गलत दोनों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव और प्रेप वोकैब यानी मेडिकल डिक्शनरी का फीचर मिल जाता है, जो इसको पीजी और एमबीबीएस दोनों के लिए बेस्ट और कंसेप्चुअल बनाता है। वैसे चुराए हुए अंडे को मेरा पेट हजम नहीं कर पाता है और सारा माल बाहर आए उससे पहले मैं उसकी दवाई लेकर आ जाता है, और उसके बाद मैं क्लिनिक चला जाता है, जहां कुछ खास करने को था नहीं आज। तो बैठे बैठे एक शेर सुनाता हूं। मेहनत करते रहे मेरे बंदे, मत खोना तू होप, क्योंकि आज खो देगा होप तो कल कैसे घूम पाएगा गले में डाल के स्टेथोस्कोप।